हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ लाई है। जो भी स्टूडेंट्स राउंड वन का, आप सभी को पता है रिजल्ट आ चुका है, तो अब जो स्टूडेंट्स है जिनको उनकी पसंद का कॉलेज नहीं मिल पा रहा और जो अपग्रेड करना चाह रहे हैं या फिर रिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स राउंड वन में जो सीट मिली है उसको रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कब से कब तक कर सकते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन गाइज आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलने में कोई डिले ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब गाइज हम बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है राउंड वन की सीट को लेकर, तो देखिए क्या नोटिस जारी हुआ है, डायरेक्टली हम वही ओपन कर लेते हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हैं आज ही का नोटिस है, अभी ये नोटिस डाला गया है, ठीक है। तो ये सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो राउंड वन जो यूजी काउंसलिंग का रिजल्ट आया है, रिपोर्टिंग शेड्यूल 9 फरवरी को ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो इन्फॉर्म किया जा रहा है सभी स्टूडेंट को जो रिजाइन करना चाहते हैं वो रिजाइन कर सकते हैं राउंड वन की सीट को, कब से कब तक कर सकते हैं, टिल 4 PM ऑफ 15 फरवरी, 15 फरवरी इवनिंग 4 PM तक आप कर सकते हैं अपनी सीट को रिजाइन। आफ्टर विच उसके बाद दे विल बी कंसीडर एज पार्ट ऑफ राउंड टू, ठीक है, वो कंसीडर किए जाएंगे राउंड टू के पार्ट में, और सेम रूल अप्लाई रहेंगे जो राउंड टू की काउंसलिंग के हैं वो उनके ऊपर भी अप्लाई होंगे, ठीक है। अब देखिए गाइज नेक्स्ट जो बोला है कि सभी कैंडिडेट्स को एडवाइज किया जा रहा है कि उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो जनरेट होगा ऑनलाइन पोर्टल से, जो कि MCC के थ्रू होगा, जो भी अलॉटेड कॉलेज उनका होगा, फेलिंग विच द रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, ठीक है। तो ऐसे केस में जो कैंडिडेट्स रहेंगे विल बी डीम्ड टू ऑक्यूपाई द सीट स्टिल्स एंड रूल्स ऑफ राउंड टू विल अप्लाई। एनी लेटर अदर देन रेजिग्नेशन लेटर जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेजिग्नेशन लेटर इन केस कैंडिडेट इज रिजाइनिंग बाई सेंडिंग ई मेल टू कॉलेज, ही और सी शुड मेक श्योर दैट दे रिसीव रेजिग्नेशन लेटर जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ MCC। तो गाइज जो भी आप रेजिग्नेशन लेटर जनरेट करते हैं वो MCC के पोर्टल से करना है, उसके अलावा कोई और मोड होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से आपको समझ कर फिर चलना है। आगे दिया है कि कैंडिडेट्स जो होंगे अपने अपना कंसेंट देंगे अपग्रेडेशन के लिए राउंड टू में, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड टू की काउंसलिंग में बट इज़ नॉट अपग्रेडेड, और परंतु वह अपग्रेड नहीं होते हैं तो वो रिजाइन नहीं कर पाएंगे अपनी सीट को जो राउंड टू में उनको अलॉट होगी, एंड विल हैव टू रिटेन द सीट, और उनको वो सीट जो है रिटेन होगी। तो इन सच अ केस रूल ऑफ राउंड टू विल अप्लाई सिंस द कैंडिडेट हैज़ एक्सरसाइज चॉइसेस एंड पार्टिसिपेटेड इन राउंड टू। यहाँ इनको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा रेजिग्नेशन का यदि कैंडिडेट अपग्रेड नहीं करता है राउंड टू में, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज आप लोगों के लिए, और यहाँ कुछ हाईलाइटेड लाइन दी है, तो दैट लाइन्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो राउंड वन जॉइंट कैंडिडेट्स हु नाइदर पार्टिसिपेट इन राउंड टू नॉर रिजाइन द सीट, जिन्हें ना तो पार्टिसिपेट किया हो राउंड टू के लिए ना ही अपनी सीट को रिजाइन किया है राउंड वन से, तो वो कंसिडर समझे जाएंगे राउंड टू की काउंसलिंग में आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम, जो भी टाइम दिया है आफ्टर दैट, ठीक है। तो कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो रिजाइन करें अपनी सीट को राउंड वन से, शुड डू सो बिफोर द राउंड टू कमेंस, ठीक है। तो राउंड टू कमेंस से पहले उनको ये प्रोसीजर करना है। तो गाइज याद रखिए इवनिंग 4 PM तक 15 फरवरी तक आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर इन सबको लेकर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको सबसे पहले अपडेट मिलता है, जैसे ही कोई नोटिस डाला जाएगा आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।